हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर चैनल पर स्वागत है। आई एम पीयूष प्रासर एंड विथ मी वी विल स्टडी सिविल इंजीनियरिंग ईयर। और जो पेपर अभी हमारी चल रही है करेंटली, इट इज इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर जो टॉपिक हम अभी कवर कर रहे हैं, इट इज वी आर कवरिंग एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, दैट इज लॉसेस फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, ताकि हम रन ऑफ को कैलकुलेट कर पाएं। तो इसके लिए इन लॉसेस को कैलकुलेट करना जरूरी है। सो लॉसेस में भी हम इवेपोरेशन को स्टडी कर रहे हैं। तो मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन में, इससे पहले जो वीडियो लेक्चर हमने अपलोड किया था, लेक्चर नंबर 20, उसमें मैंने पैन इवेपोरेशन मेथड बताया था। क्लास ए पैन, इंडियन स्टैंडर्ड पैन, कोलोराडो सनकन पैन, है ना, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पैन को यूज करके हम कैसे लेक इवेपोरेशन निकालेंगे। ठीक है, इस चीज को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, और भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पैन कोफिशियंट एक्सप्लेन किया गया है। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी इंपेरिकल मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन। हमारे पास दो इंपेरिकल मेथड है बच्चों, एक है मेयर्स फॉर्मूला, दूसरा है रोवर्स फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूला में से मेयर्स फॉर्मूला का अधिकतम यूज होता है, ज्यादा यूज होता है, और ये दोनों ही फॉर्मूला जो है एक ही लॉ पर बेस्ड है, विच इज डाल्टन्स लॉ। और डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सैचुरेशन डेफिसिट, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये दोनों फॉर्मूला हम आपको बताएंगे। इन दोनों फॉर्मूला को देखेंगे, एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ताकि ये हमें समझ में आ जाए। ठीक है, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, हमारे चैनल पे अभी ऑफर चल रही है, आप एनरोल करिए हमारे पूरा पेड पैकेज में, विच इज एट ओनली ₹2,999, जिसमें आपको डिफरेंट पेड सब्जेक्ट मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, लेकिन सारे सब्जेक्ट में से कुछ सब्जेक्ट हमने यूट्यूब पे फ्री में डाल रखा है, कुछ हमारा पेड सब्जेक्ट है जो कि आपको मैं इस प्राइस पे अवेलेबल कराऊंगा, इंक्लूडिंग रीजनिंग, मैथ एंड एप्टीट्यूड लेक्चर विद बेसिक साइंस लेक्चर आल्सो, विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन लाइक एसएससी, गेट एंड ईएससी एग्जामिनेशन। ओके, जो पेड सब्जेक्ट्स हैं वो स्ट्रक्चर, स्टील, इन्वायरो, सर्वे, बीएमसी, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, हाइड्रोलॉजी हो गया, ये सारे पेड सब्जेक्ट हैं। आप यदि सिंगल कोई सिंगल पेपर में भी एनरोल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, हम इस चीज का भी इंडिपेंडेंसी आपको देते हैं। अगर कोई दो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तीन सब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं। ओके, अगर आप एट ए टाइम लेना चाहते हैं, देन इट विल कॉस्ट ₹2,999, और अगर सिंगल सिंगल आप एनरोल करेंगे तो इट हैज डिफरेंट कॉस्ट। ओके, दिस ऑफर इज वैलिड अप टू 3rd July। अप टू 3rd July ये ऑफर रहेगी नहीं, सो इंटरेस्टेड वन कैन कम टू अस। आप हमें संपर्क कर सकते हो एट 7008420353, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, और व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहां से भी आप हमारे ग्रुप तक आ सकते हो। आप हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर दीजिए कॉन्सेप्ट डिकोडर का, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वेल, तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट को। मेयर्स फॉर्मूला, हेडिंग बनाइए मेयर्स फॉर्मूला। तो लिखिए मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला इज E इक्वल टू के एम ब्रैकेट में ES माइनस EA क्या, इट इज सैचुरेशन डेफिसिट, ब्रैकेट 1 प्लस V9/16। अब इनमें से कौन सा चीज क्या है, कौन सा पैरामीटर क्या है, इसको हम देखते हैं। E जो है ये इंपेरिकल इक्वेशन है। इंपेरिकल मेथड में देखिएगा, जिस चीज का यूनिट जो है उसी यूनिट के फॉर्म में हमको लिखना होगा, और जब आंसर निकलेगा हमको उसी यूनिट के फॉर्म में निकलेगा। तो यूनिट पर ज्यादा ध्यान देना है इंपेरिकल इक्वेशन में, क्लियर है। ई है, ई इज रेट ऑफ इवेपोरेशन इन mm पर डे। ई एस, इट इज सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इन mm ऑफ Hg, ठीक है, मरकरी कॉलम का हाइट, mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg में अगर आपको पता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने बता रखा आपको ये सब चीज, इज 760 mm ऑफ Hg का जो प्रेशर होता है, इट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 101325 पास्कल। ठीक है, ये डेटा याद रखना आपको। नेक्स्ट ईए, इट इज एक्चुअल वेपर प्रेशर इन एमएम ऑफ एचजी, सेम हाइट ऑफ मर्करी कॉलम में। वी नाइन, इट इज व्हाट, मीन मंथली टेम्परेचर या फिर मंथली मीन विंड वेलोसिटी एट 9 मीटर अबव ग्राउंड लेवल। ठीक है, मंथली मीन
विंड वेलोसिटी एट 9 मीटर अबव ग्राउंड लेवल। और एक चीज ध्यान रखना है, जनरली होता ये है जब हम V9 निकालते हैं और EA जो निकाल रहे हैं ना, हम EA को भी V9 जहां पर हम निकाल रहे हैं मतलब एट 9 मीटर अबव ग्राउंड जो हम विंड वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं मंथली मीन विंड वेलोसिटी, वहीं पर उसी हाइट पर हम EA का भी कैलकुलेशन करते हैं कि उस हाइट पे जो विंड है उसका एक्चुअल वेपर प्रेशर कितना है। ठीक है, उसी EA का वैल्यू को हम यूज करते हैं मेयर्स फार्मूला में, जनरली ऐसा होता है। क्लियर? अभी देखो, विंड का वेलोसिटी जो है ये 1/7 पावर लॉ को फॉलो करता है। तो इसमें और एक इक्वेशन आती है 1/7 पावर लॉ की, जिसके मदद से हम विंड वेलोसिटी को रिलेट करके निकाल पाते हैं। ठीक है, तो उस इक्वेशन को लिखिए। इफ विंड वेलोसिटी, लिखिए विंड वेलोसिटी फॉलो, सब कुछ बताऊंगा कैसे यूज करना है इन इक्वेशंस को, सब समझ में आ जाएगा। फॉलोस दी, बस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। 1/7 पावर लॉ, देन एक इक्वेशन बनती है कि वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर हाइट h इज इक्वल टू सी h पावर 1/7। ठीक है, ये क्या है vh, वेलोसिटी एट एनी हाइट। कोई भी हाइट पर h क्या है, h जो है इट इज हाइट, और सी यहाँ पे कांस्टेंट है जिसका क्या वैल्यू होता है कैसे होता है वो जानने की जरूरत नहीं है, वो क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो जो सी है ये ऑटोमेटिकली कैंसल आउट हो जाती है। नाउ के एम, व्हाट इज दिस, इट इज कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है इक्वेशन में। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड करता है आपका, ये जनरली जो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ वाटर बॉडी। Size of water body for deep lake, जो k का वैल्यू होता है इसको हमें लेना है 0.36। अगर क्वेश्चन में वैल्यू दिया नहीं है तो ये याद रखिएगा। और सेलो लेक, इक्वेशन आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आता है गेट में। k का जो वैल्यू लेना है वो लेना है हमको 0.5। ठीक है, और ये जो विंड का वेलोसिटी है ये इसका यूनिट क्या है, ये विंड का वेलोसिटी का यूनिट है किलोमीटर पर आवर, इसका यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, विंड वेलोसिटी हम देखते हैं किलोमीटर पर आवर में। सो दिस इज योर मेयर्स फॉर्मूला, ओके, और उससे रिलेटेड चीजें। अब हम सेकेंड फॉर्मूला लिखेंगे विच इज रोवर्स फॉर्मूला। तो देखो ये है रोवर्स फॉर्मूला, और रोवर्स फॉर्मूला देखने में ही बहुत बड़ा और खतरनाक लग रहा है। सो एग्जाम में जनरली ऐसा होगा नहीं कि इस फॉर्मूला पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि ये सब फॉर्मूला याद करना फालतू चीज है, और ऐसा एग्जामिनर भी नहीं चाहता है कि ऐसा फॉर्मूला भी आपको याद रहे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इस फॉर्मूला पर बेस्ड, ओके, तो हो सकता है कि ये फॉर्मूला आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसिडर करते हुए, आजकल एग्जामिनेशन का टफनेस लेवल को देखते हुए, इस फॉर्मूला को अगर आप प्रैक्टिस करके याद कर पाओगे तो बहुत बेहतरीन चीज है। क्लियर है, तो प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए, इससे खूबसूरत बात और कुछ रहेगी नहीं। ऐसे जनरली पूछेगा नहीं, इन दोनों फॉर्मूला में से मेयर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका फॉर्मूला शॉर्ट है और क्वेश्चन भी इजिली और आसानी से बन जाता है उससे। तो यहाँ पर जो जो पैरामीटर है, इन पैरामीटर्स को देखिए, E तो हो गया आपका इवोपरेशन, और इसका यूनिट हो गया mm पर डे में, रेट ऑफ इवोपरेशन। PA जो है इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसको लेना है इन हाइट ऑफ मर्करी कॉलम mm ऑफ Hg के टर्म्स में। ठीक है, जिस भी एरिया पर, जिस भी लोकेशन के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, उस लोकेशन का प्रिवेलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, उसको हम PA लिखते हैं। अब देखिए V0, ये क्या है,
इट इज वेलोसिटी ऑफ विंड या फिर मीन मंथली विंड वेलोसिटी एट ग्राउंड लेवल. मीन मंथली विंड वेलोसिटी एट ग्राउंड लेवल मतलब जमीन के करीब करीब. अब एट ग्राउंड लेवल लिया है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि जस्ट ग्राउंड से चिपकते हुए सट के निकलते हुए जो हवा है उसका वेलोसिटी नहीं. एट ग्राउंड लेवल कहने का मतलब ये हो गया कि नहीं कम से कम भी तो ये मान लो ग्राउंड लेवल है तो ग्राउंड से कम 60 सेंटीमीटर ऊपर या फिर 0.6 मीटर ऊपर जो हवा चल रही है इसका मंथली मीन विंड वेलोसिटी ये यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर में. ठीक है, इसी को हम एज ए वी नॉट रिप्रेजेंट करते हैं. कितना ऊपर? 0.6 मीटर अबव फ्रॉम ग्राउंड लेवल, एक्चुअल ग्राउंड लेवल. ई एस और ई ए इसको तो आप जानते ही हैं, पहचानते हैं. ई एस क्या है? इट इज सैचुरेशन वेपर प्रेशर इन एमएम ऑफ एचजी. ई ए क्या है? इट इज एक्चुअल वेपर प्रेशर इन एमएम ऑफ एचजी. क्लियर है? सो दिस इज योर रोवर्स फॉर्मूला. तो ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है तो इसको मैं जैसा कि मैंने बोला आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इमरजेंसी के लिए एग्जामिनेशन में जब जाएंगे तो उस टाइम पर थोड़ा याद करने का कोशिश करिएगा. कन्वेंशनल पेपर्स में खास करके ऑब्जेक्टिव के लिए तो ये जरूरत नहीं है, लेकिन कन्वेंशनल पेपर्स के लिए इस फॉर्मूला को भी बाय हार्ट करके जाइएगा. हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे क्योंकि एक आध बार पूछा भी है. ओके, तो लेट अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दिस टू फॉर्मूला. और जो इससे पहला वाला मेथड मैंने बताया था पैन इवेपोरेशन वाला, उस मेथड को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक इस इंपेरिकल इक्वेशन को यूज करके उसका आंसर निकालेंगे, दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. और जो पैन इवेपोरेशन मेथड मैंने बताया था उसको यूज करके इवेपोरेशन कैसे कैलकुलेट करना है वो निकालेंगे. इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म हो जाएगी. देन वी विल लुक इनटू कंजर्वेशन ऑफ वाटर. ओके, मतलब वाटर को इवेपोरेशन से कैसे बचाए, कौन कौन से हमारे पास मेथड हो सकते हैं, इस पर हम थोड़ा गौर फरमाएंगे. वेल चलिए तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग. तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन लिखिए. ए रिजर्वायर विद अ सरफेस एरिया ऑफ 300 हेक्टेयर हैज द फॉलोइंग एवरेज मेट्रोलॉजिकल वैल्यूज ड्यूरिंग ए गिवन वीक. किसी एक सप्ताह के अंदर ये सारे मेट्रोलॉजिकल वैल्यूज यहाँ पे गिवन है. वाटर का जो टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस. रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH का वैल्यू आपको गिवन, इट इज 50%. विंड वेलोसिटी एट 1 मीटर अबव ग्राउंड आपको गिवन है, विच इज 12 किलोमीटर पर आवर. मीन बैरोमेट्रिक रीडिंग है ना, इट इज 750 mm ऑफ HG. बैरोमेट्रिक रीडिंग मतलब एक तरह से एटमोस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू गिवन है उस लोकेशन में उस सप्ताह के दौरान, वो कितना है 750 mm ऑफ HG. ES सैचुरेशन वेपर प्रेशर का वैल्यू आपको गिवन है, और सैचुरेशन वेपर प्रेशर का वैल्यू कितना गिवन है, इट इज गिवन एज 31.82 mm ऑफ HG. अब क्वेश्चन कहता है एस्टिमेट द एवरेज डेली इवेपोरेशन फ्रॉम द लेक. एस्टिमेट द एवरेज डेली इवेपोरेशन फ्रॉम द लेक रिजर्वायर एंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम द लेक ड्यूरिंग दिस वीक. इस सप्ताह के दौरान टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना इवेपोरेट हुआ ये भी कैलकुलेट करिए, और डेली इवेपोरेशन का रेट भी पता लगाइए. नेक्स्ट कहता है मेक यूज ऑफ मेयर्स फॉर्मूला एज वेल एज रोवर्स फॉर्मूला टू कंपेयर रिजल्ट. ठीक है, मतलब क्वेश्चन वही है. अब इस क्वेश्चन को हमको दो अलग अलग फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया इनको यूज करके सॉल्व करना है और रिजल्ट को कंपेयर करना है. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स सिंपल. तो चलिए हम शुरू करते हैं. तो पहला, यूजिंग मेयर्स फॉर्मूला. तो मेयर्स फॉर्मूला क्या है? E इक्वल टू के एम ई एस माइनस ई ए वन प्लस वी नाइन अपॉन 16. ये आपका मेयर्स फॉर्मूला. अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन में क्वेश्चन में के एम का वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम लेकिन हम एक चीज पता लगा सकते हैं. देखिए सरफेस एरिया कितना बड़ा है, 300 हेक्टेयर, छोटा नहीं होता है, बड़ा है. और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो लेक है ये एक डीप लेक है. जनरली हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये जो लेक है एक बड़ा है और डीप लेक है क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है. अगर मान लो छोटा लेक 10 हेक्टेयर 25 हेक्टेयर 20 हेक्टेयर ऐसा गिवन होता है ना, 100 हेक्टेयर,
ओके, तो हम मानते कि वो छोटा लेक है और सैलो लेक है, लेकिन यहाँ पे एरिया काफी बड़ा है तो लेक भी काफी डीप होगा, समझ में आ रहा है? तो हम इसको एज ए डीप लेक एज्यूम करेंगे, यहाँ पे लिखना होगा एज्यूमिंग डीप लेक। तो डीप लेक एज्यूम करेंगे तो के एम का जो वैल्यू है ये 0.36 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको ई एस का वैल्यू गिवन है 31.82 mm of Hg। अब EA का वैल्यू गिवन है नहीं है, तो हमको उस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए EA का वैल्यू निकालना होगा। तो EA का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? और एक चीज बताओ, EA ES से कम होगा ना ज्यादा होगा? ऑब्वियसली सैचुरेटेड वेपर प्रेशर से कम होगा एक्चुअल वेपर प्रेशर, समझ में आ रहा है? लेकिन वो निकालेंगे कैसे? क्वेश्चन में क्या ऐसा चीज दिया है जिसको यूज करके निकाल सकते हैं? तो क्वेश्चन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिवन है RH, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू क्या होता है? इट इज रेशियो ऑफ EA अपॉन ES, तो व्हिच इज 0.5 गिवन है। तो यहां से EA निकल जाएगा व्हिच इज ES इनटू 0.5, जो कि क्या होगा 0.5 इनटू 31.82 व्हिच इज नथिंग बट इट विल बी इक्वल टू 15.91 mm ऑफ Hg की नहीं mm of Hg, ये निकल जाएगा आपका EA। Now, अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए V9 किलोमीटर पर आवर में। अब क्वेश्चन में V9 गिवन है क्या? क्वेश्चन में V9 तो नहीं गिवन है बच्चों, तो V9 कैसे निकालेंगे? तो मैंने एक लॉ बताया था कि विंड का जो वेलोसिटी है ये एक तरह का टर्बुलेंट फ्लो है और ये 1/7 पावर लॉ को फॉलो करता है। तो यूजिंग 1/7 पावर लॉ, आप जो ये वीडियोस देख रहे हैं, दिस इज वन टाइप ऑफ डेमो वीडियोस फ्रॉम हाइड्रोलॉजी। मैं इसलिए इन वीडियो को पब्लिकली पब्लिश कर रहा हूँ ताकि आप वीडियो देखें, आपको अगर कंटेंट कंसेप्ट पसंद आ रही है, हमारी बताने की तरीका पसंद आ रही है, तो आप कंप्लीट सब्जेक्ट में एनरोल कर लें। सो इट इज वन टाइप ऑफ डेमो वीडियो फॉर यू ऑल जो हमने अपलोड कर रखा है। तो यूजिंग 1/7 पावर लॉ, हमने क्या बताया था 1/7 पावर लॉ कि वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर हाइट इज इक्वल टू सी एच पावर 1/7, क्लियर है? एच पावर 1/7। अब 1/7 इक्वल टू कितना होता है, इसको आप कैलकुलेट करके रख लीजिए, ये होता है 0.143 डेसिमल फॉर्म में। तो देखिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं V9 इक्वल टू सी 9 पावर 1/7, लेट सपोज ये हो गया आपका इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, V1, ठीक है? तो V1 जो कि कितना है, जिसका वैल्यू कितना है क्वेश्चन में गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर, इक्वल टू हम लिख सकते हैं C टाइम्स H, H कितना होगा यहाँ पे 1 मीटर, 1 पावर 0.143, ये लेट सपोज दिस इज योर इक्वेशन 2, क्लियर है? तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1, अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मैं लिख सकता हूं V9 अपॉन V1 इक्वल टू सी 9 पावर 0.143 डिवाइडेड बाय सी 1 पावर 0.143। यहां से क्या होगा, जो आपका सी सी है कैंसल आउट हो जाएगा, ये खत्म ये खत्म। नाउ क्या बचेगा, V9 इक्वल V9 बाई 12 बच जाएगा नीचे, इक्वल टू 9 पावर 0.143, ठीक है? 1 पावर 0.143 क्या होगा, 1 ही होगा, समझ में आ रहा है? तो V9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 9 पावर 0.143, तो V9 इक्वल टू कितना होगा 16.43 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए, यहां से एक कॉन्सेप्ट और पता लगेगा लॉजिकल क्वेश्चंस के लिए। तो देखो, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है ग्राउंड लेवल से, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, विंड का वेलोसिटी भी तेज हो रहा है। 1 मीटर पे 12 किलोमीटर प्रति घंटा था और थोड़ा ऊपर गए तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा देखने को मिल रहा है, समझ में आ रहा है? ओके,
तो V9 भी हमने निकाल लिया, तो सारा डेटा हमारे पास अब अवेलेबल है, तो हम अब इवेपोरेशन निकाल सकते हैं इन mm पर डे। कैसे निकालेंगे, 0.36 फिर 31.82 माइनस 15.91 ब्रैकेट 1 प्लस 16.43 डिवाइडेड बाय 16। इसको सॉल्व करेंगे तो इवेपोरेशन कितना आ जाएगा, 11.61 mm पर डे। ये आ जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन यूजिंग मेयर्स इक्वेशन। अब हमको क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इवेपोरेटेड, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इवेपोरेटेड कितने दिनों में, 7 डेज के अंदर कितना टोटल इवेपोरेशन हुआ था। ठीक है, तो बड़ा आसान है, निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो हमको वॉल्यूम निकालना मतलब हमको मीटर क्यूब में लाना है। तो हमारे पास अभी क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन को मैं सरफेस एरिया से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और उसको गुणा कर दूं टाइम से, 7 दिन से, तो मेरा निकल जाएगा टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम वी इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन आपको गिवन है 11.61 mm पर डे, है ना। तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, तो नीचे 1000 से डिवाइड कर दूंगा, मीटर पर डे हो जाएगा, इनटू कितने दिनों के लिए देखना है, 7 दिन के लिए, तो 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 डे से मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू हमको अब एरिया मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये तो मेरा डेप्थ में निकल जाएगा मीटर में, अब एरिया मल्टीप्लाई कर दूंगा, 300 हेक्टेयर था, तो 300 × 10⁴ मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये डे खत्म, तो मीटर और ये मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब बन जाएगा। तो वॉल्यूम जब आप टोटल कैलकुलेट करेंगे, ये निकल जाएगा आपका 243810 मीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर इवेपोरेट हुआ उस कंप्लीटली पूरे एक सप्ताह के दौरान इस रेट से, समझ में आ रहा है, इस रेट से उस लेक के अंदर से, ये पता चल रहा है हमको मेयर्स इक्वेशन को यूज करके। अब हम दूसरा इक्वेशन यूज करते हैं, सेकंड, यूजिंग रोवर्स इक्वेशन, यूजिंग रोवर्स इक्वेशन। तो देखिए, ये इक्वेशन बहुत बड़ा है, तो कन्वेंशनल क्वेश्चन के लिए आपको मैंने बार बार बोल रखा है, एग्जाम मेंस वाले एग्जाम में जाओगे तो इसको भी याद करके जाना, हो सकता है पूछ दे, पूछ ही दिया तो क्या करोगे फिर, बड़ा इक्वेशन था याद नहीं किए, अब मैं क्या करूं, वहां पे सोचने लगोगे, तो इसलिए याद करके जाओ, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे पूछेगा तो वहां पे उतना निर्दयी उनको बनना नहीं चाहिए, वो वहां पे इक्वेशन लिख देंगे, अगर नहीं लिखते हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, सो बेटर एग्जामिनेशन है, हम पढ़ के जाएंगे। तो ये है अपना इक्वेशन इक्वल टू इतना, दिस इज रोवर्स इक्वेशन। अब इसमें हमको कौन कौन सा वैल्यू पता है ऑलरेडी, ES का वैल्यू पता है, EA का वैल्यू पता है, पहले ही निकाल लिया था, PA का वैल्यू, बैरोमेट्रिक रीडिंग, मीन बैरोमेट्रिक प्रेशर गिवन है क्वेश्चन, ये भी हमको पता है। अब वैल्यू क्या बचा, V 0.6। ठीक है, तो V 0.6 हम कैसे निकालेंगे, अगेन बाय यूजिंग 1/7 पावर लॉ। ओके, 1/7 पावर लॉ को यूज करेंगे तो V 0.6 निकल जाएगा। तो यूजिंग 1/7 पावर लॉ मैं लिख सकता हूं कि V 0.6 इक्वल टू डिवाइडेड बाय V1 इक्वल टू 0.6 बाय 1 का 0.143। ठीक है, तो V 0.6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12 गुना 0.6 पावर 0.143, तो ये हो जाएगा आपका 11.15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखो, जब आपका एट डेप्थ 1 मीटर डेप्थ पर देखा था वेलोसिटी, तो वो था 12 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन एट 0.6 मीटर डेप्थ पे देख रहे हैं, मतलब 1 मीटर से कम, तो वहाँ पे वेलोसिटी थोड़ा कम आ गया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से एक लॉजिक ये भी बन रही है कि ग्राउंड लेवल है ये, यहाँ से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका विंड वेलोसिटी इंक्रीज आपको मिलेगा, समझ में आया।
तो ये आपने वी 0.6 भी निकाल लिया, तो इन सारे डेटा को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, रोवर्स इक्वेशन में, और हम इवेपोरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन, इक्वल टू आप उन सारे डेटा को पुट करिए और सॉल्व मारिए, तो ये आ जाएगा आपका 14.13 mm पर डे। तो देखो सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ सेम था, कंडीशन सेम है, सब कुछ सेम दिया हुआ है, लेकिन आपका मेयर्स इक्वेशन और रोवर्स इक्वेशन दोनों को यूज करके जब आपने कैलकुलेट किया तो मेयर्स इक्वेशन से इवेपोरेशन रेट कम आई, लेकिन रोवर्स इक्वेशन से इवेपोरेशन रेट ज्यादा आया। समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से पूछ सकता है, ये लॉजिक यहाँ से पूछ सकता है, क्वेश्चन में कंपेयर करने के लिए गिवन है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि E थ्रू R इज ग्रेटर देन E थ्रू M, ठीक है? इसलिए जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इवेपोरेटेड जो आप निकालोगे मेयर्स इक्वेशन को यूज करके वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर, वो कम होगा एज कम्पेयर अगर रोहर्स इक्वेशन को यूज करके निकालेंगे। सो अंडर नॉर्मल कंडीशन अगर आपसे पूछे कि इन दोनों इक्वेशन में से कौन सा बेस्ट इक्वेशन है, कौन सा बेस्ट इक्वेशन है, तो हम यही कहेंगे ना, जो चीज हमको ज्यादा रिजल्ट दे रही है, क्योंकि ये एक तरह का लॉसेस है, और अगर जो अगर वो लॉसेस थोड़ा ज्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू मेयर्स इक्वेशन, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो हो, क्योंकि तभी तो ये इक्वेशन एक्सेप्टेड है। ओके, तो रोहर्स इक्वेशन ई आर इज बेस्ट देन मेयर्स इक्वेशन। समझ में आया? ये लॉजिक एग्जाम में पूछा जा सकता है, रोहर्स इक्वेशन बेस्ट है मेयर्स इक्वेशन से इन एनालिटिकल मेथड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इवेपोरेशन या फिर इवेपोरेशन लॉस। लेकिन हम जनरली मेयर्स इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि वो इक्वेशन छोटा है और एग्जाम में वही आता है। समझ में आया? लेकिन रोहर्स इक्वेशन बड़ा है और क्या, बस यही चीज है, आप याद नहीं कर पाते हो। तो ये इक्वेशन क्लियर है मेयर्स और रोहर्स का। वेल, अब चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं जो पैन वाला कॉन्सेप्ट बताया था, पैन इवेपोरेशन, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखो यार, एक क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, मैं पहले ही बता रहा हूं, लेकिन बच्चे क्या होते हैं ना, डर जाते हैं क्वेश्चन को देखते ही। ये तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इतना बड़ा दिख रहा है, एक्चुअली में ये और बड़ा क्वेश्चन दिखता है। समझ में आ रहा है? तो बच्चे क्वेश्चन को देख के ही डर जाते हैं, अब कौन पढ़े यार। तो क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसको समझिए वो क्या है, हो सकता है वो बहुत ही आसान सा कोई चीज पूछ रहा हो, ठीक है? खैर क्वेश्चन पढ़िए, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। एट द बिगिनिंग ऑफ ए सर्टेन वीक, किसी एक सप्ताह के स्टार्टिंग में, द डेप्थ ऑफ वाटर इन एन इवेपोरेशन पैन जिसका डायामीटर था 1.2 मीटर वाज 7.75 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो इवेपोरेशन पैन में जो डेप्थ ऑफ वाटर था वो कितना था, 7.75 cm, ये पैन का बात कर रहा है। ड्यूरिंग द वीक, उसी सप्ताह के दौरान, अब कहता है द रेनफॉल वाज 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई एंड 2.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर वाज रिमूव्ड फ्रॉम द पैन टू कीप द डेप्थ ऑफ वाटर इन इट विद इन ए फिक्स्ड रेंज। क्या कहा? ये कहा कि उसी सप्ताह में क्या हुआ, उसके बाद 3.8 सेंटीमीटर की बरसात हुई, तो 3.8 सेंटीमीटर लेवल इंक्रीज हुआ पैन में। फिर अब लेवल इंक्रीज हुआ, फिर क्या कह रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेंज के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करने के कारण, रखने के कारण उन्होंने क्या किया, फिर 2.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर को रिमूव कर दिया, ठीक है? नेक्स्ट, अब कह रहा है एट द एंड ऑफ द वीक, उस सप्ताह के अंत पर, द गेज इंडिकेटेड ए डेप्थ ऑफ 8.32 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन द पैन। एक गेज को यूज करके मेजर किया गया, तो गेज दिखाता है उस सप्ताह के अंतिम पर कि उसमें जो वाटर का डेप्थ है उसमें इट इज 8.32 सेंटीमीटर। अब कहता है यूजिंग सुटेबल सीपी वैल्यू, एक सुटेबल पैन कोफिशिएंट का वैल्यू आप यूज करिए, है ना, यूजिंग सुटेबल सीपी वैल्यू एस्टिमेट
द इवेपोरेशन ड्यूरिंग द वीक, उस सप्ताह के दौरान कितना इवेपोरेशन हुआ इस चीज को एस्टिमेट करिए फ्रॉम द लेक अंडर सिमिलर एटमोस्फेरिक कंडीशन। ये मान लिया जाए कि एटमोस्फेरिक कंडीशन सेम है जहां पर पेन था और उसके बगल में कोई लेक है, तो उस लेक से कितना इवेपोरेशन हुई होगी अगर ये इवेपोरेमीटर डेटा ये है तो। समझ में आया, फीलिंग आया क्वेश्चन का? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखिए मैं बस करूंगा। अब देखिए क्या कहता है, ये मान लो पेन था, ठीक है, तो सबसे पहले क्या था इस पेन में, जो इनिशियल वाटर लेवल था, ये है पेन पूरा ऊंचा ऐसा बना दिया, जो इनिशियल वाटर लेवल था, इनिशियल वाटर का डेप्थ वो कितना था, 7.75 सेंटीमीटर। अब उस सप्ताह के दौरान इसमें 3.8 सेंटीमीटर की क्या हुई, बरसात हुई, तो 7.75 से और 3.8 आप जोड़ दीजिए, तो ये मैं लिख रहा हूं 3.8 सेंटीमीटर। तो अभी जो लेवल होगा वाटर का वो यहां तक हो गया होगा मान लो, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, बोला गया कि किसी एक पर्टिकुलर फिक्स लेवल को मेंटेन करने के कारण उन्होंने 2.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर डेप्थ को रिड्यूस किया पेन से। अगर डेप्थ रिड्यूस किया है ना, तो ये 3.8 से फिर 2.5 और घटा, ये रिड्यूस कर दिया, ये 2.5 रिड्यूस कर दिया, तो अभी जो डेप्थ है वो यहां पर होगा, ठीक है, तो ये डेप्थ यहां पर था एट एनी स्टेज ऑफ टाइम, कितना डेप्थ था। अब ये डेप्थ कितना है, हम ये निकाल लेते हैं, देखो ये कैसे निकालेंगे, 7.75 में पहले कितना हुआ, प्लस हुआ 3.8 बरसात का पानी, फिर इसमें से हम घटा दिए 2.5, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.05 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो डेप्थ ऑफ वाटर है इसमें, इस पैन में, इट इज 9.05 सेंटीमीटर। अब कहता है कि एट एंड ऑफ वीक, सप्ताह के अंत पर देखा गया कि पैन में, ओके, एट एंड ये देखा गया कि पैन में जो वाटर है इट इज कितना, इसका डेप्थ कितना है, 8.32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो यार, तो पैन से इसका मतलब इवेपोरेशन हुआ, तो इवेपोरेशन फ्रॉम पैन, अगर मैं बताऊं इवेपोरेशन फ्रॉम पैन, या फिर पैन इवेपोरेशन अगर मैं बताऊं, तो जितना डेप्थ रिड्यूस हुआ वही हो जाएगा आपका पैन इवेपोरेशन। तो कितना डेप्थ रिड्यूस हुआ, 9.05 था, उससे रिड्यूस हो गया 8.32, तो कितना हो गया, 0.73 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर पैन इवेपोरेशन। अब कहता है क्वेश्चन में कि आपको लेक इवेपोरेशन बतानी है, तो लेक इवेपोरेशन हम कैसे बताएंगे, पैन कोफिशियंट इनटू पैन इवेपोरेशन। तो यहां हमको पैन कोफिशियंट का वैल्यू को एज्यूम करना है, तो हम कौन सा पैन को कंसिडर करेंगे, आप कोई भी पैन यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, हम जनरली जो क्लास ए पैन है या फिर ISI पैन, इन दोनों में से किसी एक को यूज करेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज कि मैं क्लास ए पैन को यूज करता हूं, ठीक है, तो क्लास ए पैन का जो पैन कोफिशियंट है सीपी का वैल्यू, इसका मैं एज्यूम कर लिया 0.7, तो अगर सीपी इक्वल टू 0.7 हो गया तो लेक इवेपोरेशन कितना हो जाएगा, 0.7 × 0.73 इक्वल टू 0.511 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे पेन कोफिशियंट मैक्सिमम भी यूज कर सकते हैं, आप 0.88 या फिर 0.8 कुछ भी एज्यूम करिए, 0.85, और वहां पे मेंशन कर दीजिए कि किस पेन के लिए हम ये पेन कोफिशियंट ले रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन था बड़ा सिंपल, बस समझने की बात थी, प्लस माइनस करके हमने आंसर निकाल लिया। सो उस लेक के सरफेस से कितना इवेपोरेशन हुआ, 0.511 सेंटीमीटर डेप्थ उस लेक से घटा हो अगर पैन कोफिशियंट 0.7 है तो, क्लियर है। सो इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और भी क्वेश्चन आएंगे बहुत सिंपल, हम और भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है अभी,
जो भी सिविल इंजीनियरिंग एक दो पेपर और बचा हुआ है, हाइड्रोलॉजी तो हमने चालू कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट और हाइड्रोलिक मशीन, ये सब आने वाले हैं। इसके बाद अपना सिविल इंजीनियरिंग का पैकेज कंप्लीट हो जाएगा, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट सॉल्विंग गेट क्वेश्चन ऑफ ईच सब्जेक्ट। उसके बाद वी विल स्टार्ट सॉल्विंग ईएससी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ ईच सब्जेक्ट, देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग ईएससी कन्वेंशनल क्वेश्चन ऑफ ईच सब्जेक्ट, देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग एसएससी ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच सब्जेक्ट एंड एसएससी कन्वेंशनल फॉर ईच सब्जेक्ट। इतना क्वेश्चन पैकेज आपको चैनल पे फ्री में मिलेगा। ओके, सो फॉर कंसेप्चुअल पार्ट पहले सब्जेक्ट को स्टडी कर लीजिए, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करें तो उस समय आप हमारे साथ अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। क्लियर है? सो फॉर एनरोलमेंट यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 7008420353। यू कैन विजिट अवर एंड्रॉयड ऐप। ओके, यू कैन विजिट अवर एंड्रॉयड ऐप, वहां पे डिफरेंट कोर्स पैकेज है, सो आप उसको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेकआउट। Well, good luck. Have a nice day. I'm ending this video here only. Thank you. See you all in next video. In next video, we will discuss the analytical method. Analytical method में अपने पास कौन-कौन से method थे, ज़्यादा discuss नहीं करेंगे, थोड़ा ही discuss करेंगे. Water budget, energy balance and mass transfer. हम अपना ज़्यादा focus रखेंगे next video के लिए method to reduce evaporation losses. ठीक है? इस concept को learn करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे transpiration का process क्या है, है ना? ट्रांसपिरेशन क्या है, इंटरसेप्शन का प्रोसेस क्या है, इन सब चीज़ों को देखेंगे, इंटरसेप्शन लॉस को कैसे एस्टिमेट किया जाए, इन सब चीज़ों को बताएंगे। ओके, इवापो ट्रांसपिरेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, इवापो ट्रांसपिरेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसको मेजर कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों को बताएंगे। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इस सब सेक्शन से, तो ये सब सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। वेल, बने रहिए, गुड लक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।